ओके तो गाइज जो कार्यक्रम है वो हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 9:30 एंड मैं काफी टाइम से उठ गया हूँ, तकरीबन 8:30 बजे के आसपास मैं उठ गया था। गांव जाके आया हूँ ना, तो एक चीज़ फ़ायदा है कि मैं उठ रहा जल्दी हूँ, रोज़ सुबह जल्दी उठ जाता हूँ मैं। मतलब जिस टाइम पे मैं उठता था हर बारी उससे जल्दी उठ जाता हूँ, जैसे 9 बजे उठ जाता हूँ, 8:30 बजे उठ जाता हूँ। आज भी बिना अलार्म बिना किसी चीज़ के मैं उठ गया, नाश्ता वगैरह हो गया। होप सो ऐसे चलते रहे, आगे भी ऐसे चलते रहे। आज का ब्लॉग थोड़ा सा कुछ ये एक्सपेरिमेंटल टाइप हो सकता है कि हम आज कुछ एक्सपेरिमेंट टाइप करने वाले हैं, मतलब कुछ तो करने वाले हैं, कुछ तो अगड़म तिगड़म भसड़ कुछ फैलाएंगे घर में। कल जैसा फैलाया था उसमें से ही, और साफ भी हम खुद ही करेंगे। ज्योति साफ कर ही देती तो कोई टेंशन नहीं है, कॉर्नफ्लावर समथिंग कुछ, मैं सही नाम ले रहा हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं, बट इसको हिंदी में अरलोड बोलते हैं। उससे हम लोग कुछ करने वाले हैं। दक्ष ने बताया था मेरे को ऐसा कुछ कि यार तो ऐसा नहीं, ऐसा है मेरे स्कूल में, ऐसा है वैसा है, ये होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, तो क्या होता है क्या नहीं वो उसी को पता, क्योंकि उसकी बातें उसी को समझ में आती है। भाई उसकी बातें समझ में ही नहीं आती, जो किसी को ही नहीं समझता मेरे घर पे, वो उसकी बातें उसको ही समझता है। वो आधा मराठी बोलता है, आधा हिंदी बोलता है, और आधा ऐसा लैंग्वेज बोलता है जो समझ में ही नहीं आता। वो जो जो बोलेगा वो करेंगे, क्योंकि उसको स्कूल में आजकल बच्चे लोगों को कितना एक्टिविटी ये वो फलाना ढिमकाना कराते, तो स्कूल में कुछ नया चीज़ सीख के आया होगा वो, तो हमको बताता है कि सनी ये करके देखिए, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो देखेंगे क्या बनवा रहा है, क्या खराब करवा रहा है वो। सो गाइस मैं अभी तक नहाया धोया नहीं हूँ, मैंने फिर से कपड़े पहन लिए कल वाले ही, क्योंकि मुझे अभी जाना थोड़ा सा बाहर, अर्जेंट काम है। एक डैडी का फोन आया था 11:15, एडिटिंग वगैरह जस्ट खत्म करके मैंने एक्सपोर्ट पे लगाई, वीडियो अपलोडिंग नहीं हुई, एक्सपोर्ट पे लगाई, एक्सपोर्ट हो रही है वीडियो। मुझे अर्जेंटली जाना है बाहर, मुझे 5 रास्ता जाना है अर्जेंटली, क्योंकि शॉप का कुछ काम है छोटा सा। अर्जेंट वाला काम सब सनी संभालता है, जो अर्जेंट वाले काम होते हैं, क्योंकि अपन तूफान है, अपन टेलीपोर्ट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होते हैं हम। जितने भी मेरे फ्रेंड्स लोग होंगे ना, उनको आप पूछोगे ना कि सन्नी कितना तेज, उन लोग बताएंगे कि सन्नी की स्पीड क्या है, टेलीपोर्ट सीधा इधर से, मैं बोलूँ ना इधर हूँ तो 1 सेकंड में तो 1 किलोमीटर पार कर देता हूँ मैं। खैर कोई बात नहीं, अपनी तारीफ खुद की क्या ही करूँ मैं, मजा नहीं आ रहा है। तो फटाफट से जाते हैं, काम निपटाते हैं, देन उसके बाद फ्री होते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे, ठीक है चलो। ओके तो गाइस ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं हम लोग लोकेशन पे, बस यहाँ पे दुकान देखना पड़ेगा, दुकान मुझे पता नहीं है और किसी को भी नहीं पता दुकान कहाँ है। क्या बात है सर, तो दुकान थोड़ा सा देखना पड़ेगा, दुकान किधर है, यहीं पर है पुलिस स्टेशन, डैडी ने बोला पुलिस स्टेशन के आसपास काफ़ी सारी दुकानें हैं, काफ़ी सारी तो छोड़ दो, मेरे को एक भी नहीं दिख रही है। ये रहा पुलिस स्टेशन, यहाँ पे सब गणपति का ही है मंडप वगैरह, किधर है दुकान भगवान जाने। ये रहा मुलुंड का पुलिस स्टेशन, दुकान किधर है, पुलिस स्टेशन तो पहुंच गए, दुकान किधर है, क्या है? वो भी बोल रहा है मुझे क्या पता तू लेके आया है, देखते हैं यार दुकान किधर है। तो गाइस गलत रास्ते पे आ गए, ये रास्ता नहीं है, यहाँ से आगे जहाँ से हम लोग सीधा है, यहाँ से राइट मार के, मतलब रॉन्ग रास्ते पे आ गए, तो यहाँ से और आगे जाना है, फिर वहाँ पे भी जाके ढूंढना है, दुकान पता नहीं है, वहाँ भी जाके ढूंढना पड़ेगा कि दुकान है किधर, और दुकान भी क्या पूछे यार, प्लास्टिक की थैली वाला दुकान का है। एक्चुअली लेना हमको प्लास्टिक का एक पैकेट टाइप है ना, छोटा छोटा वो लेना है, वो लेना। तो देखते हैं यार, काफ़ी टाइम लग जाएगा, और खाली बारिश ना आ जाए यार, खाली बारिश नहीं आएगा ना तो बस सरस है, बारिश आ जाएगा तो वाट लग जाएगी, क्योंकि छाता तीन जना है, तीनों में से किसी के पास छाता नहीं। A few moments later. गाइस जो सामान लेने आए थे वो सामान हमको मिल गया, बहुत मुश्किल से भाई, नहीं बोलूँ ना मैंने तो 10-12 दुकान तो हमने पूछ लिया, सब बोलते आगे आगे आगे, और बहुत मुश्किल से एक जगह पे सामान मिला, ले लिया है, ऑलमोस्ट पहुंच भी गई। ये रहा कालिदास हमारा, जहाँ पे हम आते हैं रेगुलर घूमने के लिए, यहाँ से निकलेंगे, इसको छोड़ेंगे स्टेशन पे, हम जाएंगे घर पे, एंड घर पे देखते हैं क्या शूट करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, पहले तो नहाएंगे और खाएंगे, क्योंकि भूख लग रही है और नहाया भी नहीं है, नहाएंगे खाएंगे उसके बाद देखेंगे कि आगे का सिनेरियो क्या है, क्या शूट करना है क्या नहीं, एक्सपेरिमेंट का ब्लॉग था ना, तो देखेंगे क्या शूट होता है क्या। ओके सो गाइस घर पे आ गए हैं, एंड मैंने लंच वगैरह भी कर लिया है, क्योंकि घर आके फ़ोन लगाया था यार, फ़ोन में अगर काम होता है ना तो फ़ोन में शूटिंग नहीं हो पाती है, जैसे मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं था, मेरा फ़ोन चार्ज पे था, घर आ गया खाना खा लिया, वो आपको शूट करके नहीं बता पाया, रीज़न फ़ोन था चार्जिंग पे, मतलब अगर कैमरा ही चार्जिंग पे हो तो आप किस चीज़ से आप वो करोगे, एंड फ़ोन इतना यूज़ होता है, कॉल पे यूज़ होता है, मैसेज पे यूज़ होता है, शूट करने के लिए यूज़ होता है, तो चार्जिंग जाता ही है फ़ोन का।
तो थोड़ा सा वो होता है कि टाइम पे चीज़ें शूट नहीं हो पाती अभी फिलहाल के लिए। गाइस लंच वगैरह हो गया, अभी चलते हैं अपना वीडियो मतलब ये जो चैनल को एनालाइज करते हैं, क्योंकि 12:30 बजे एक नया 12:30 बजे जो है अपडेट देता है नया मेरा चैनल, तो अभी 1:15 बज गया तो अभी अपडेट दे दिया जाएगा, तो फटाफट से एनालाइज करते हैं, देन उसके बाद मिलते हैं आपसे, देखते हैं आपसे, देखते हैं अगर कुछ करेंगे तो मिलेंगे आपसे। चलो दिमाग पे कि शूट करना है, वीडियो एडिटिंग ये वो सारी चीजें रहती है दिमाग पे, तो उस वजह से नींद नहीं आती है। अभी करना है हमको अपना शूट, दक्ष पता नहीं क्या वो बता रहा था ना मैं सवेरे की, दक्ष के स्कूल में कुछ है, कुछ बनाता है वो, किसका बनाता है तू, कॉर्नफ्लावर का समथिंग कुछ तो बनाता है, लिक्विड टाइप कुछ ऐसा स्लाइम टाइप कुछ बनाता है। अब वो कैसे बनाता है, क्यों बनाता है, किस लिए बनाता है वो यही जाने, और मैंने उसको अभी पूछा भी जस्ट कि क्यों क्या करेगा उसका रख के, उसको रख के क्या करेगा, तो बोलता है खेलूंगा। कोई सेंस है इस बात की? क्या खेलेगा ये क्या पता, भगवान जाने। अभी फिलहाल के लिए तो सारा स्टफ लेके आना पड़ेगा, क्योंकि कल तो लाए थे बट इसने पूरा जो है पानी कर दिया उसका, तो अभी जाना पड़ेगा, तो जाके मार्केट जाके लेके आते सामान, देन उसके बाद देखते हैं बनाते क्या होता है क्या नहीं, एंड जो भी रहेगा आपको भी बताएंगे। चलो अभी अभी जस्ट लेके आया पैकेट, और उठा के पटक रहा फोड़ दिया ये पूरा खर, यहाँ पे पूरा गिरा दिया कदली, किधर गया माल लेके, तो वही चीज़ अभी लेके जस्ट घर पे आए हैं, अभी देखते हैं कैसे बनता है क्या नहीं, इसको पूछते हैं कि क्या है, बात बनाते हैं आपको भी दिखाते हैं। एक्चुअल में मेरे को ये देखना, मेरी क्यूरियोसिटी ये है कि भाई ये बना क्या रहा है और उससे होगा क्या, तो वो चीज़ देखना है मेरे को, बाकी तो और कुछ नहीं, मेरे को देखना है कि इतना क्यों एक्साइटेड है ये चीज़ बनाने के लिए, तो देखते हैं कि क्या है, आपको दिखा आपको बताएंगे ये चीज़ कि भाई मतलब कुछ, हाँ ठीक है कुछ एक्साइटिंग है कि भाई टाइम वेस्ट है। ओके तो गाइस जो कार्यक्रम है वो हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास है कॉलीफ्लावर जिसको आरारोट भी बोलते हैं, हिंदी में आरारोट बोलते हैं जिसको, बहुत सस्ता है ये, तकरीबन 100 ग्राम का पैकेट हमको 8 रुपये का पड़ा, एंड खाली पानी है एंड बाउल है। जो आगे का कार्यक्रम है वो ये बताएंगे, करो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हाँ अरे भैया देखो, देख रहे हो मालिक बता रहे हैं हमको क्या करना है क्या नहीं, पहले थोड़ा सा डाल के देखता हूँ, पता नहीं ये क्या करवा रहा है, उससे होगा क्या। हाँ इसमें आधा ग्लास नहीं डाल, कम पानी डाल, रुकना इससे नहीं होगा, हाथ से हो जाऊंगा। क्या है ये, क्या बनवा रहा है ये, क्या चीज है इसको, अरे जोर से मत कर, आराम से कर, हो जाएगा, ये हो गया। अरे और मन डाल, रुक जा एक सेकेंड, थोड़ा सा बस, क्या हो रहा है ये, क्या होता क्या है इससे, जरा एक्सप्लेन तो कर क्या होता है इससे। हाँ कुछ नहीं मिलता, बता तो, खेलने को मिलता है, क्या खेलने को मिलता है पर इससे, क्या मतलब, क्या है ये जरा बता। ओब्लिक क्या, ओब्लिक तो इसे क्या करने का, इसमें ऐसा जोरदार प्रेस करेगा ना तो अंदर नहीं जाएगा, धीरे से प्रेस करेगा तो अंदर जाएगा। अच्छा ये वो वाला सिस्टम है क्या, अबे वो कोई ये केमिकल होता है पता है तेरे को, वही तो है, ये केमिकल नहीं है ये, तो इससे ही बना है जो ये, अगर बोल रहा है ना, अगर वो नहीं हुआ ना साड़े के मुंह पे दूंगा मैं खींच के। हां हां ये वीडियो ही दिखा दे भाई, ये क्या है, ये स्लरी बना दिया, ये स्लरी, ये क्या स्लरी है, अरे ये वो है अभी मेरा हाथ एकदम सूखा है,
सच में अंदर नहीं जा रहा भाई, रुक जा रहा है। अभी आई सर, सीमेंट बना दिया इसने। इधर नहीं जा रहा, दिखा इधर ला। धीरे से लेके चलना, सारे अंदर डाल देंगे, पेट में मारेंगे तो जाएगा ही अंदर हाथ। देखो जैसे ये है हाथ है मेरा, और मैं पूरे प्रेशर से मारूंगा ना अंदर जाएगा नहीं हाथ मेरा, मेरा ऊपर ही रुक जाएगा। मैं तो आराम से डाल लूंगा, पहले तो आराम से डाल के दिखाता हूँ। ये उंगली आराम से डाल रहा हूँ, पूरा अंदर गया है ना। अब इसी उंगली को मारूंगा ना जोर से, अंदर नहीं जाएगा उंगली। देखना एक दो तीन, ओह ऐसा लगता है किसी हार्ड चीज पे, किसी लादी वादी पे हाथ दे दिया अपना जोर से। तो गाइज आपको मैं एकदम लाइव एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ये जो मेरा हाथ है ना ये पूरा सूख गया है, ये खाली हल्का हल्का एकदम सूख गया है एकदम। आइए ना मार के दिखाता हूँ, अब मैं इसको मार के दिखाता हूँ, देखना अंदर जाएगा ही नहीं। देखो अरे वो हिल रहा है, पूरा हिल रहा है, अंदर जा नहीं रहा है हाथ। उंगली दर्द कर रही है मेरी उंगली, अब एकदम से डालूंगा ना मैं तब अंदर चल जाएगा, देखना। ए देखो ये ना गया अंदर, अभी मारता हूँ जोर से, फिर से मारता हूँ जोर से। ए देखो कितना भी जोर से मार, मार तू मार, तू मार जोर से, मार मार जोर से, जोर से मार, जोर से मार, जा रहा है अंदर। अब उंगली डाल आराम से। ओके सो गाइज ये मेरे स्टोरेज का इशू बहुत ज़्यादा मैं फेस कर रहा हूँ अभी, इसका सोल्यूशन क्या है मुझे नहीं पता चल रहा है। क्योंकि सोल्यूशन अगर आपका स्टोरेज भर रहा है उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप डेटा जो है अपना क्लियर कर दो। बट अगर आपने डेटा क्लियर कर दिया है स्टिल यू आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, तो उसका सोल्यूशन क्या है? तो ये प्रॉब्लम होती है, आप ज़्यादा पिक्सल वाला कैमरा लेते हो ना, मतलब क्लियरिटी बहुत ज़्यादा, तो उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप स्टोरेज अपना ज़्यादा लो, क्योंकि क्लियरिटी इतनी जबरा आती है। मेरी एक एक मिनट की वीडियो इतनी क्लियरिटी इतनी ज़बरदस्त आती है कि MB इतनी खाती है, भर जाता है यार। इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसका इलाज करना पड़ेगा बहुत जल्दी, नहीं तो मैं व्लॉग शूट ही नहीं कर पाऊँगा। और अगर व्लॉग ही नहीं शूट कर पाऊँगा तो अपलोड क्या करूँगा। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक YouTube चैनल चलाने के लिए इतना प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, इतने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। पहले मैं ऐसा बनता था कि प्रॉब्लम्स से भागता था मैं। अभी मैं YouTube पे आने के बाद इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ कि हर प्रॉब्लम को मैं फेस करता हूँ एकदम ताकत के साथ, और एकदम बोलते ना कि एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, कि देखता हूँ कैसा नहीं होता सारा, वो वाले एनर्जी के साथ और वो वाले एटीट्यूड के साथ मैं फेस करता हूँ प्रॉब्लम्स को अपने पीछे से। एंड आप लोगों का सपोर्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए। अभी बज रहे हैं 9, डिनर विनर करते हैं एंड उसके बाद बताते हैं आगे का सिनेरियो अगर बाहर जाएंगे तो। चलो ओके सो गाइस, डिनर विनर सब कुछ हो गया, सोने की तैयारी हो गई। एक्चुअली मैं सो भी गया था, फिर याद आया कि वीडियो एडिट नहीं किया है, कल तक खींचना नहीं चाहता इसका, ऐसा बोला कि छोड़ कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेगा वीडियो एंड कर देना। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल वीडियो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना।